देखा, ये है राम जी के लिए पागल। 500 वर्षों के इंतजार के बाद कैसी खुशियां लोगों में आई है। और यकीन मानिए, मैं यहाँ पर मिला केरला, महाराष्ट्र और ना जाने कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। दुर्भाग्यशाली थे हमारे पूर्वज जो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो आप अपना दुर्भाग्य भगाइए, सौभाग्य जगाइए, आइए रामलला के दर्शन करिए और आशीर्वाद की प्राप्ति करिए। कि यहाँ पर आना कैसे है, यहाँ पर रुकना कहाँ है, खाने पीने कितना खर्च होने वाला, तो मैं आपको एक इशारा देता हूँ। मोदी बाबा, योगी बाबा सबसे नीक नंबर एक काम कराया, सबसे विरोधी लोग अपना मर रहे हैं, मरने दो। चले बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत ही मनोहर दृश्य आपको आगे आने वाला है, देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दिन में ये अयोध्या अद्भुत और रात को बेमिसाल, लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, एक बार, सिर्फ एक बार अयोध्या विजिट ज़रूर करें। यकीन मानिए, आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राम की नगरी अयोध्या में। और अभी शाम का वक्त है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि दिन में अयोध्या नगरी कैसे दिखती है, और अब आपको दिखाएंगे कि रात के वक्त अयोध्या नगरी कितनी जगमगाती है, कितनी खूबसूरत दिखती है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ चल रहा है भंडारा और अभी हमें राम पथ पर, ये राम पथ है जो जाता है नए घाट की तरफ। अगर आप सरयू घाट जाना चाहते हैं, राम की पौड़ी देखना चाहते हैं, लेजर शो देखना चाहते हैं, तो आपको इसी रास्ते आगे जाना पड़ेगा। और मंदिर में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको इसी रास्ते जाना होगा। प्रभु श्री राम का प्रवेश द्वार ये है, इधर से आपको प्रवेश करना है। नाइट का नज़ारा देख रहे हैं, कितना खूबसूरत, कितना मनोरम है। मंदिर का प्रवेश द्वार, इधर से आपको प्रवेश करना है। रात के 9:30 बज रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पर साफ सफाई कैसी हो रही है। लॉन सिक्योरिटी अयोध्या नगर, नारायण पांडे जनपद सुल्तानपुर से, उनके साथ वाले यहाँ पे वेट कर रहे हैं। डी पॉइंट में आपने आके संपर्क करें। खोया पाया विभाग भी यहाँ पर, तो अगर कोई आपके साथ आया हुआ है, खो गया, तो आप जाकर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। ऐसे ही अनाउंसमेंट होगा जैसे हो रहा है। जगह जगह स्पीकर ऐसे लगे हुए हैं पूरे अयोध्या क्षेत्र में, तो आप वहाँ जाकर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। राम भक्तों की सेवा में, देखिए सेवा में खड़े हैं यहाँ के अधिकारी। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ रात का ये नज़ारा आपको कैसा लग रहा है। दिन का वीडियो देखना चाहते हैं, दिन का भी वीडियो चैनल पर पहले ही प्रकाशित है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पूरे परिसर में सिर्फ एक ही गूंज है, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, देख रहे हैं। और इतनी खूबसूरत और इतनी मनमोहक सुगंध है पूरे प्रांगण में, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह ऐसे मोटी मोटी अगरबत्ती लगाई गई है। देख रहे हैं ना कितनी मोटी अगरबत्ती है, पूरे क्षेत्र में ऐसी अगरबत्तियाँ हैं, और पूरा क्षेत्र इतना खुशमय, इतना सुगंधित हो गया है कि पूछिए मत। वैसे अभी अयोध्या का टेम्परेचर जो है वो है 6 डिग्री। इतनी कड़ाके की ठंड में कितने राम भक्त आए हैं अपने प्रभु राम से मिलने के लिए। पेड़ों पे छोटी छोटी लाइटें लगाई गई हैं, इतना मनोहर, इतना मनमोहक दृश्य है। वो एग्जिट पॉइंट है, उधर से लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, और ये प्रवेश द्वार है जिधर लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और एक लंबी सी लाइन है, थोड़ा सा आपको अंदर जाना पड़ेगा, और आगे ही आपको दर्शन होंगे प्रभु श्री राम के। राम हरे, हसिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राघव। उधर है क्लॉक रूम, निशुल्क है, जो आपके साथ लगेज बैग वगैरह है वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, बड़े वाले। छोटे वाले बैग मोबाइल पर्स आपको जमा करने हैं आगे की तरफ। जब आप ऐसे प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर देखिए चेक पॉइंट बने हुए हैं, 10 स्कैनिंग सेंटर है, छोटे छोटे काउंटर जैसे, जहाँ पर आपके सामान को और आपको स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको प्रवेश मिलेगा। और ये पहला पड़ाव है, इसके बाद भी है चेकिंग सेंटर।
मंदिर की साफ सफाई को और मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर लगाई गई बोतल क्रैश मशीन। कैसे क्रैश करना है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो पहले स्टेप में खाली बोतल मशीन में जमा करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें और आकर्षक इनाम पाएं। रिडीम करने के लिए QR कोड को स्कैन करें। ऐसा है तो चलिए खाली बोतल हम इसमें डालते हैं। यहाँ पर डालेंगे, ये फुल हो गया है और तेरी की बंद होगा। ऐसे इसको बंद करेंगे, यहाँ पर नंबर डालना है 9। मंदिर के बाहर जब आप एग्जिट कर रहे होंगे तो देखिए लेफ्ट तरफ में दुकानें सजी हैं खूबसूरत सी, इधर दुकानें अभी बन रही हैं। आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ दुकानें बन गई हैं कितना प्यारा दृश्य है वहाँ का। इधर से आपको आना है और वो है दशरथ महल और उसके अंदर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण भगवान की खूबसूरत सी मूर्ति है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, इसका सेपरेट वीडियो एक पब्लिश है चैनल पर। और इधर तरफ देख रहे हैं ये है गलियां और यहाँ से दुकानें आपको सजी धजी मिलने वाली है और आगे है हनुमानगढ़ी मंदिर। आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा राम मनोरथ। इनका राम मनोरथ है, श्रीनगर बाबागंज जिला गोंडा। गोंडा के आए, खुश हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया, खुश हैं, बहुत खुश हैं यहाँ के लोग। मोदी बाबा, योगी बाबा सबसे नीक नंबर एक काम करा है। सबसे विरोधी लोग अपना मर रहे हैं, मरने दो। इनका नाम है तो इसे काम किया, हिंदू राज करेंगे, भारत देश का नाम होगा। नहीं सिर्फ हिंदू नहीं, भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सब सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान के श्री रामचंद्र भगवान का नाम हुआ, उसे कब काम हुआ, विकास ज्यादा हुआ, विकास करते नाम भगवान का श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। ये हनुमानगढ़ी का इसको आप तिराहा बोल सकते हैं और इधर है भगवान बजरंग बली। देखिए ये हनुमानगढ़ी, इनका भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर पूरा वीडियो पब्लिश है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल रात का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, सामने प्रसाद की कई सारी दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। वैसे हनुमान जी का फेवरेट प्रसाद जो है वो लड्डू है, यहाँ पर लड्डू की कई सारी दुकानें हैं, आप वो ले सकते हैं। चले बढ़ते हैं आगे की तरफ, बहुत ही मनोहर दृश्य आपको आगे आने वाला है, देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। देखा ये है राम जी के लिए पागल, 500 वर्षों के इंतजार के बाद कैसी खुशियां लोगों में आई है। और यकीन मानिए मैं यहाँ पर मिला केरला, महाराष्ट्र और ना जाने कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, जबकि अभी मात्र 2 से 3 दिन हुआ है रामलला के मंदिर के उद्घाटन में। ये है राम पथ और खूबसूरत सा जो धनुष बना हुआ है, बीच में मस्तक पर तिलक जो भगवान राम लगाते थे वही लगा हुआ है। देखिए पूरे रोड को, पूरे पथ को इतना खूबसूरत बना दिया गया, इतना खूबसूरत कि शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। आपको ज़रूर यहाँ पर एक बार विजिट करना चाहिए। देखिए इधर खूबसूरत खूबसूरत सी दुकानें लगाई गई हैं और देखिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है आपकी सुरक्षा के लिए। ठंड लग रही है तो ठंड से आपको बचाने के लिए देखिए यहाँ पर गैस से चलने वाले हीटर भी लगाए गए हैं। देखिए जो पुलिस बल सेक रहे हैं आप भी खड़े होकर सेक सकते हैं। दुर्भाग्यशाली थे हमारे पूर्वज जो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो आप अपना दुर्भाग्य भगाइए, सौभाग्य जगाइए, आइए रामलला के दर्शन करिए और आशीर्वाद की प्राप्ति करिए। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली का जो त्यौहार है ना आज है, क्योंकि मैं आज आया हूँ तो मैं आज देख पा रहा हूँ, लेकिन 22 तारीख को असल दिवाली है और इससे बड़ा त्यौहार और कुछ नहीं हो सकता। देखिए वहाँ पर एक किला है, यहाँ के जो राजा थे उनका किला है, उसका प्रवेश अभी वर्जित है, अंदर प्रवेश है नहीं, तो उसका आप बाहर से नज़ारा देखिए, बाकी राम पथ का आप नज़ारा देख पा रहे हैं। अब अगर आप लोगों का ये सवाल होने वाला है कि यहाँ पर आना कैसे है, यहाँ पर रुकना कहाँ है, खाने पीने कितना खर्च होने वाला, तो मैं आपको एक इशारा देता हूँ आप समझो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आने के लिए मैंने ट्रेन का टिकट लिया है और सुबह से रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी तक मेरे 1 भी रुपये खर्च नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर कई जगह भंडारे हो रहे हैं, तो खाने पीने के लिए आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। राम पथ पर ही एक स्वागत का बोर्ड बना हुआ है,
फूलों के माध्यम से जो कि इतना खूबसूरत है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। स्वागतम नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश। राम पथ को ऐसे ही सजा दिया गया है बिल्कुल दुल्हन के जैसे। देख रहे हैं ऊपर की तरफ धनुष का कितना खूबसूरत सा लाइटिंग के माध्यम से सजाया गया है और रात का वक्त ऐसा है बिल्कुल दिन वाला। और पूरा अयोध्या राममय है, ना सिर्फ अयोध्या पूरा भारत है राममय। इसमें राम का जाप चल रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि बस शब्दों में मैं इनको पिरो नहीं पा रहा हूँ। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, एक बार सिर्फ एक बार अयोध्या विजिट ज़रूर करें। यकीन मानिए आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। देखिए ये है यूपी टूरिज्म की गाड़ी और यहाँ पर आए हैं विदेशी रामलीला दल, श्रीलंका से दल आया हुआ है। देखिए ये सारे लोग श्रीलंका से आए हुए हैं। जय जय श्री राम। यहाँ पर एक चौक बना है लता मंगेशकर चौक के नाम से। दिखाता हूँ आपको कैसा नजारा है रात के वक्त यहाँ पर, इतना खूबसूरत कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये है लता मंगेशकर चौक और देखिए कितना खूबसूरत बीड़ा बना हुआ है। और सामने की तरफ किसका मुख बना हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऊपर की तरफ जो मुख बना है वो किसका मुख है देखिए। और ये इस एरिया का सेल्फी पॉइंट भी है। बहुत बढ़िया। दिन में ये अयोध्या अद्भुत और रात को बेमिसाल लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं। और रोड उस पर सामने की तरफ कुछ और बना हुआ है जो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए ये योगी जी, ये है मोदी जी और बनाने में कितनी मेहनत हुई है इस राम मंदिर के घर को, राम मंदिर के महल को, भगवान राम के घर को, कुछ भी कहे आप। एक नक्शे के तरीके से उकेरा गया है और ये रेत का बना हुआ है, पक्का सीमेंट नहीं है, रेत से बना। ये दृश्य आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे तो बहुत खूबसूरत, बहुत बेमिसाल। देखिए देखिए बजरंगबली, योगी जी और मोदी जी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। वाकई इनके बगैर तो मंदिर का निर्माण पॉसिबल नहीं था। ये सारे वीडियो आप दिन में देख चुके हैं, रात में दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि रात की जो विजुअलिटी है ना वो अनोखी है, अद्भुत है। ऐसी चीजें आपको दिन में देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए एंजॉय करिए और कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना ये तो पहले दिखाया था। यार क्या है ना, इतनी रात को मैं यहाँ पर अगर टहल रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि रामलला के इस भव्य मंदिर में ये उद्घाटन और यहाँ पर जो कुछ चीज़ें बची हैं एक भी चीज़ आप लोग मिस ना करें। फिर चाहे वो दिन में कैसा लगता है ये परिसर, रात को ये परिसर कैसा लगता है, ए टू जेड सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की। हर जगह पिलर पर लिखा हुआ जय श्री राम जय श्री राम। और ऊपर की तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये सूर्य की प्रति बनाई गई है। कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत खूबसूरत, बहुत बेमिसाल, जवाब नहीं है इन चीजों का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं बेहिचक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस चैनल पर आपको यात्रा संबंधी वीडियोस मिलती रहेंगी।